आखिर ये शोर क्या समझा रखा है? हुजूर, दो गांव वाले आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं। राजमान सिंह से कहो कि उन्हें उस खेमे में पेश किया जाए, हम उनसे वहीं मिलेंगे। जी हुजूर। बस जलाल हमारे जाल में फंस जाए एक बार, ताकि हम अपने मकसद को अंजाम दे सकें। हुजूर, गांव वालों को खेमे में लाया जा चुका है। ठीक है, उन्हें वहीं रोका जाए, हम अभी आते हैं। हम अभी आते हैं जोधा बेगम। क्या मजाक है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। लगता है जोधा बेगम सो गई हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। कितने दिनों बाद तुम्हें जी भर कर देखने का मौका मिला है जोधा बेगम, मगर अब इंतजार खत्म हुआ। बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए शरीफुद्दीन की हो जाओगी। जोधा बेगम की आवाज मानसिक आई हमारे साथ। क्या हुआ जोधा? और चीखने क्या? क्या यहाँ पर शरीफुद्दीन आया था, हमने उसे देखा। क्या? वो बच्चा था? राजा मानसिंह, फौरन चप्पल चप्पल छान मारा जाए, शरीफुद्दीन बच्चे जाने ना पाए। तू आदेश शहंशाह। बदनाम रखे जोधा बेगम, छोड़ेंगे नहीं इसे। बार बार किसी बुरे ख्वाब की तरह वो हमारी जिंदगी में क्यों आ जाते हैं? वो हमें फिर से मारेंगे तो नहीं ना? अगर उन्होंने महताब की जान लेने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाईजान ने उसे कैद कर लिया है, अब वो तुम्हें या महताब को छू भी नहीं सकता। और अब जलाल ने उसे सजा तजवीज करने का फैसला तुम पर छोड़ा है। वो सबसे पहले तुम्हारा और महताब का गुनहगार, उसे सजा तुम्हें ही देनी होगी बेटा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उस शैतान के सामने जाने के लिए तो हमारे कदम ही नहीं आगे बढ़ते। हौसला रखो बख्शी, तुम वो बीवी हो जिसके शौहर ने उसके साथ ज्यादती की है, तुम वो माँ हो जिसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है शरीफ ने। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी अम्मी जान और तुम्हारे भाई जान तुम्हारे साथ है। खौफ किस बात का? तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने एक औरत की इज्जत की तौहीन करने की कोशिश की है, इसीलिए उसे सजा अब वो औरत देगी जिसके रिश्ते के साथ उसने तौहीन की। भूल जाओ कि वो तुम्हारा शौहर था, भूल जाओ कि वो महताब के वालिद हैं। वो एक गुनहगार है
एक कत्तार। अब तुम्हें एक मिसाल कायम करनी है बेटा। आप हमारे लिए सिर्फ एक गद्दार, और एक गद्दार की बीवी होने से बेहतर है कि हम बेवा बनकर। भाईजान, आप हमसे बेहतर इंसाफ कर सकते हैं, इन्हें सजा आप दीजिए, मगर ख्याल रहे इनकी सजा इनके गुनाहों से कम ना हो। नहीं बख्शी, बख्शी हम पर रहम करो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सबके जिम्मेदार हमारे वालिद हैं। अर्जुनी की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, अपनी बेहताब को दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं। बख्शी खुदा के लिए हम पर रहम करो। हम तुम्हें और तुम्हारे वालिद को अच्छी तरह से जानते हैं, जो तुमने किया है उसके लिए हमारा मन करता है कि हम तुम्हारा कत्ल करते हैं, लेकिन बेहद साफ है कि आंख के बदले आंख और खून के बदले खून हम तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि जो तुमने हमारी बहन को तड़पाया है हम उतना ही तुम्हें तड़पाएंगे, इतना तड़पाएंगे हम तुम्हें कि तुम मौत की भीख मांगोगे, तुम हर दिन हर वक्त इंतजार करोगे कि कब तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हें तड़पाएंगे हम। राजा मान सिंह, शरफुद्दीन को रोहतास दुर्ग में भेज दिया जाए और ख्वाजा मोइन को काल कोठरी में कैद कर लिया जाए, जहां इन्हें आफ्ताब की रोशनी तक नसीब ना हो। शहंशाह रहम, बख्शी बख्शी तुम तो रहम करो, शहंशाह वो आपके बहनोई है, हम पर रहम करो। ये देखिए खंजर है, आप अपने अब्बू जान की तरह बहादुर बनना चाहते ना? बताइए कैसा लगा? नहीं, हमें खंजर पसंद नहीं। सलीम, हमारा दोष क्या है ये तो बता दीजिए हमें। सलीम, इतने दिन हो गए ना तो आप हमसे बात कर रहे हैं और हमसे रूठे हुए हैं, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें परंतु आप क्या हमारी बात मान ही नहीं रहे? क्या आप अपनी मासा से प्रेम नहीं करते? या आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? सलीम, आप हमसे प्यार नहीं करती? अगर करती होती तो अब्बा जान से हमारी शिकायत नहीं करती। सलीम, हम सच कह रहे हैं बेटा, हमने आपकी शिकायत नहीं की थी, भला हम आपको दंड क्यों दिलवाना चाहेंगे? नहीं, आपने ही शिकायत की है। हमारा विश्वास कीजिए बेटा, हमने आपकी शिकायत नहीं की, हम तो आपको अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते हैं। जब से आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण निकल गए हो बेटा। और आप ये सोच भी कैसे सकते कि हम आपको कष्ट पहुंचाने का सोचेंगे भी? बेटा, आपको पीड़ा होती है ना तो हमें बहुत दुख होता है। सलीम, अब तो हमें क्षमा कर दो ना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।